भारतीय राजनीति के कुछ प्रसिद्ध पप्पू अपने भाषणों के जरिए हमारा भरपूर मनोरंजन करते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि विश्व नेता माने जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर पप्पू हो जाते हैं। हालांकि मोदी एक अलग श्रेणी के पप्पू हैं, दोनों ही श्रेणी के पप्पू होने के कारण भी अलग अलग हैं। दरअसल देश और विदेश हर तरफ छाए हुए मोदी पर काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि कभी कभी मोदी न चाहते हुए भी तन और मन दोनों से पप्पू हो जाया करते हैं। इसके पहले कि हम मोदी के पूर्ण चैतन्य अवस्था और पप्पू वाली अवस्था वाले भाषणों के नमूने देखें, आइए सुनते हैं कि मोदी खुद इस बारे में क्या कहते हैं। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मां देश को चलाने के लिए यार सुधारना पड़ता है। जब मोदी की नींद पूरी होती है और तरोताजा होते हैं, तो चैतन्य अवस्था में तन कर खड़े होकर तेज गति में बोलते हैं। एक तपस्वी जैसा तेज उनके मुख से टपकता है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके, पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। लेकिन जब लगातार भागम भाग और अव्यवस्थित दिनचर्या के चलते मोदी का तन और मन दोनों ही पूरी तरह जागृत नहीं होता है, तो वे सहारा लेकर खड़े होते हैं। थकान और नींद की मार उनके चेहरे पर साफ झलकती है। वह बड़ी धीमी गति से सोच समझ कर जरूर बोलते हैं, लेकिन क्या मजाल की एक शब्द का भी हेर फेर हो जाए। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते हो और बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है कि टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो वो न करो। कभी चोट हो गई तो माँ कहती नहीं अब तो नहीं जाना है, अब मैंने तुझे चोट नहीं होने दी। और इसलिए आपके माता पिता भी वंदन के अधिकारी हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा हाँ हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है।